हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सन्नी करवा चौथ के लिए। तो इसको घर पे ही डिज़ाइन करेंगे, तो आप लोग देखिए मैं कैसे करती हूँ और आप लोग भी घर पे ही बनाइए। मैंने भी अच्छे से बना लिया। ये देखो, पहले लिया पेपर और सन्नी और एक टेप। ये थोड़ा सा मंगने वाला पेपर है, इसको दुकान में मिल जाता है ये। फिर इसको मैंने टेप से अच्छे से काट लिया और फिर टेप से इसको जोड़ दिया। ये देखो, थोड़ा सा इसको मतलब नहीं, पूरे चन्नी में नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा काट के और इसमें जोड़ दिया। ये देखो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैसे किया, आप लोग भी कर सकते हो। आप लोगों को चाहिए तो मैंने इसे अच्छे से ऐसे टेप से चारों तरफ जोड़ के ऐसे बना लिया। और मुझे हेल्प किया, आर्यन ने हेल्प किया। अभी ये देखो फ्रेंड्स, ये टेप लगाना हो गया, ये कागज इससे चिपका के हो गया ये वाला। और इसमें अभी डिज़ाइन करूँगी। इसके लिए लिया मैंने ये वाइट वाला कागज और इसको मैं अच्छे से काट लूँगी कैंची से। ऐसे अच्छे से काट लिया, और काटने के बाद ये बन गया फूल। ये हम लोगों का बन गया फूल। इसको भी इसमें सिपकाऊंगी सन्नी में अच्छे से कलर करके। और ये मैं हार्ट शेप बना रही हूँ। ऐसे ही मैंने काट के बहुत सारा मतलब 7-8 फूल बना लिया और अभी मैं हार्ट शेप बना रही हूँ, क्योंकि मैं दिल का भी एक इसमें ऐड करूँगी। से काट रही हूँ इसको। काट के ऐसे करके फोल्ड कर रही हूँ। अच्छे से मतलब सब एक समान होना पड़ता है, नहीं तो फूल अच्छे मतलब हाथ से अच्छे से नहीं बनती और फूल भी अच्छे से नहीं बनता है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ और अच्छे से काट रही हूँ। आर्यन ने भी मुझे बहुत हेल्प किया इसके लिए। अभी ये बन गया मेरा फूल और इसको भी मैं बीच से काटने के बाद ये हार्ट बन जाएगा, हार्ट शेप में आ जाएगा। ये देखो, आप लोग देख ही सकते हो। ये देखो, मैं हार्ट शेप में इसको ये फूल को ही काट रही हूँ, तो ये हार्ट शेप में आ गया। कलर लगाऊंगी फूल पे भी और हार्ट शेप पे भी। ये मैंने लिया ब्लू कलर लिया, इसको अच्छे से कलर करूंगी। और मैंने येलो कलर लिया और हार्ट शेप के लिए रेड कलर लिया। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने कलर कर लिया। अभी इसको सन्नी पे लगाऊंगी। ये रहा सन्नी, अभी इसको इस पे लगाऊंगी और इसको पहले ग्लू लगाऊंगी फूल को। फूल में ग्लू लगाऊंगी, उसके बाद सन्नी में इसको सिपका दूंगी, तो हो जाएगा हम लोगों का सन्नी। तो आप लोग देख ही सकते हो सन्नी कितना अच्छा लग रहा है। मतलब दुकान में तो मिलती है, फिर भी मैंने सोचा कि मैं घर पे ही बनाऊँ अच्छे से। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ग्लू से सिपका दिया फूल को। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखो आप लोग। अभी येलो कलर वाला भी सिप कर दिया और हार्ट भी सिप कर दिया मैंने अच्छे से। आप लोग
तो फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को भी कैसा लगता है मुझे कमेंट करिए, अच्छा लगा या मतलब ठीक नहीं लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हो गया हम लोगों का सिनेमा, ये बन के रेडी है। इतना सुंदर लग रहा है, आप लोग भी देख सकते हो, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग मुझे कमेंट करके देखिए। और ये बनाने में मेरा पूरा रूम एकदम गंदा हो गया, इसको बहुत टाइम लगेगा साफ करने में। सो ये देखो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा ये सन्नी बन गया। आप देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और पेंसिल को भी अच्छा लगा। सो अभी हो गया, अभी मैं खाना वाना खा के और अभी लगाऊंगी मैं मेहंदी, मतलब मेरे साथ भाभी भी आएगी। तो ये देखो फ्रेंड्स, हम दोनों ही मेहंदी लगा रहे हैं अभी, और प्यांसी भी बैठी है मेरे पास, कभी कभी पापा के पास रहती है, कभी कभी मेरे पास, मतलब काम करने में बहुत दिक्कत करती है, तो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ उसको लेके ही काम करूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये बन गया हम लोगों का मेहंदी भी बन गया। देखो फ्रेंड्स कैसा लगा मेहंदी मेरा, आप लोग मुझे बोलना कमेंट करके। मुझे इतना नहीं आता है मेहंदी लगाना, ज़्यादा डिजाइन बनाना, फिर भी मैंने मोबाइल में ही देख के ऐसे ही कोशिश किया, तो ऐसे ही बन गया। अभी अभी इतना अच्छा बना है फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते हो ये सब करवा चौथ की तैयारी है। सो बाय।